आपने अभी तक TMT चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन की बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं TMT न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में सपा प्रत्याशी तेज प्रताप नुक्कड़ सभा कर अनूठे अंदाज में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को तेज प्रताप सिंह एक सभा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की पोल पट्टी खोलते नजर आए और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। आपको बताते चले कि सपा का गढ़ कहे जाने वाला मैनपुरी में सपा की पार्टी काफी दिनों से अपना वर्चस्व बनाए हुए है, वहीं पर अन्य पार्टियां अपना प्रत्याशी नहीं उतारती है। यह जनपद नेताजी का जनपद है, जिसके चलते बीजेपी पार्टी ने अपना प्रत्याशी प्रेम सिंह शाक्य को मैदान में उतारा है, जो पिछली बार चुनाव हारकर अब की बार फिर अपना नसीब आजमा रहे हैं। आपको बताते चले कि मौजूदा सांसद तेज प्रताप यादव मुलायम सिंह यादव के लिए एक अहम भूमिका निभाते हुआ नुक्कड़ नाटकों से चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सांसद जी, कल CM साहब आए थे, उनका बयान था कि सपा ने जो है गुंडे के दम पे 500 सीट निकाली थी, क्या कहना है आप? ये मुकदमे जिसके ऊपर हो गुंडा उसी बताना चाहिए। आज पूरा प्रदेश जानता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पे कितने मुकदमे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने वाला सबसे पहला जो काम किया वो अपने मुकदमे वापस लेने का था। कोर्ट ने उसके बावजूद संज्ञान लेके मुकदमे वापस नहीं किए, तो मैं समझता हूँ कि कौन गुंडा है कौन नहीं वो सब लोग जानते हैं। भाजपा के नेता जिस तरह से DM को पीट रहे हैं, DM की मौजूदगी में एक सांसद विधायक को गुंडे से मार रहा है, इससे बड़ी गुंडागर्दी कोई हो नहीं सकती।